के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, तो नाजरीन हम चलते हैं उनसे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगा और वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका नाम बताएं। मदीहा। मदीहा, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से। जी जी। मुझे लग रहा है कि आपकी सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर पवेलियन क्लब आई हुई है। जी, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी हमारे व्यूअर्स के साथ, क्या वो कैसा लगा? जी बिल्कुल, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ आके जो है वो एक तो हर चीज़ यहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज है, आपको आसानी से अवेलेबल है हर चीज़। सेकेंडली यहाँ पे आप देखेंगे पूल है, लोग बच्चों ने जो है वो पूल को भी जो है वो सेपरेटली वहाँ। फैमिलीज के लिए मुझे लगता है बहुत बेस्ट है क्योंकि हम यहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों आए हैं, इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि फैमिलीज के लिए ये अच्छा है। और दूसरी चीज़ इसकी मेंबरशिप भी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकली है। जी बिल्कुल, अफोर्डेबल है सबके लिए मेंबरशिप। बिल्कुल, बहुत ही जो है वो अफोर्डेबल है, आप आसानी से इसको अवेल कर सकते हैं। मुझे लगता है आप मेंबरशिप ले रही हैं पवेलियन क्लब, सोच तो रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, और व्यूअर्स को क्या कहेंगे, उन्हें आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और जो है वो आना चाहिए। फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा, के लिए बहुत अच्छा। क्राउड एरिया बहुत बड़ा है? जी बहुत बड़ा है, आप बहुत मतलब इजीली जो है वो आप घूम फिर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मदिया, बहुत शुक्रिया। माजू के स्टूडेंट्स जो पवेलियन एंड क्लब में आए हुए हैं और आपको अपनी राय से वो आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं दोनों। नाजिश। कोमल शमीम। कोमल शमीम और नाजिश। नाजिश, आप ये बताएं कि आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी राइड्स हैं एंड रीजनेबल प्राइस, बहुत मजा आया। अच्छा, प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है, तमाम फैमिलीज आ सकती हैं? जी बिल्कुल आ सकती है और खूब इंजॉय कर सकती है। अच्छा, अब आप कब आ रही हैं अपनी फैमिली को लेकर? इंशाल्लाह बहुत सून, बहुत जल्दी। और आप? इट वाज रियली ग्रेट फन, बहुत मजा आया, वाकई कंप्लीट पैकेज था, जैसे हम चाह रहे थे एंटरटेनमेंट वैसे ही हमें मिली। बहुत मतलब बहुत खुशी है, अभी बहुत मजा आया। और क्लब के पूल साइड पर, और इसकी खास बात यह है कि ये कराची का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पूल है, और ये देखें इसका जो नज़ारा कितना खूबसूरत है, पानी साफ है। हमारे साथ एक मौजूद है स्टूडेंट्स और उनसे इनकी राय पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताएं? सलमान गुल। अच्छा सलमान, आप यहाँ आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमारी यूनिवर्सिटी सुबह से यहाँ पे आई हुई है और डे आउटिंग था हमारा, बुक करवाया था हमने, तो उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज पवेलियन एंड क्लब में हमें यहाँ पे दी हैं, जिसमें स्विमिंग पूल था, स्क्वाश था, टेबल टेनिस, काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसमें सबसे ज़्यादा हमें स्विमिंग पूल पसंद आया, और मेरी पर्सनल राय भी यही है कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट मेंबरशिप उन्होंने न्यू लॉन्च की है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस तरफ जाने की मेरी ख्वाहिश है। हाँ जी, काफ़ी इन्जॉय किया, मतलब अगर कराची का दूसरा नंबर का बड़ा स्विमिंग पूल है तो ऑब्वियसली इन्जॉय तो करूँगा ही। बहुत साफ सुथरा, मुझे पानी बहुत साफ सुथरा लग रहा है, आप जब स्विमिंग करें तो आपको फील हो रहा था पानी साफ सुथरा है? हाँ बिल्कुल, काफ़ी जब अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है तो ऑब्वियसली साफ तो है ही। अच्छा, आप फैमिलीज को जो हमारे देखने वाले उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा इट्स अ मस्ट प्लेस टू कम, काइंडली विजिट दिस प्लेस एंड यू। जब मैंने पवेलियन एंड क्लब की टीम से इस पूल के पानी के बारे में पूछा तो मुझे पता लगा कि इस पूल का पानी 24 घंटे फिल्टर होता रहता है, तो है ना बहुत अच्छी बात, और इसका मतलब है इस पूल के पानी के गंदा होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ग्रेट।
व्यूवर्स, पेविलियन एंड क्लब में जायका के नाम से एक रेस्टोरेंट मौजूद है जहां पर हाई टी की सहूलत दी जाती है और ये सहूलत सैटरडे और संडे पेविलियन क्लब के मेंबर्स और नॉन मेंबर दोनों के लिए है, जहां पर 25 से ज्यादा डिशेज आपके लिए अवेलेबल है और आप यहां पर इंजॉय कर सकते हैं। और जो विजिट करने के लिए आते हैं, ये सहूलत उन लोगों के लिए भी है। We'll be right back.